I'm a bear. I'm a bear. चुप हो जाना. क्या हो गया? बात कर रहा हूँ. क्यों अजीब हरकतें कर रही हो? मैं काम से थका हुआ आता हूँ. घर पे बैठ के भी काम करता हूँ. तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मैं उस शख्स को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता. आखिरकार तुम मेरी बीवी थी. तुम मेरी बीवी थी? अरे मतलब स्टेप मॉम? बीवी मतलब वाइफ? बेरी मतलब एंग्री पर? बस कर दो आमिर प्लीज. अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है. बेहतर यही है कि तुम भूल जाओ ये सब. कैसे भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे यहां से जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम रिजवान भाई की. जानती हो खुदकुशी करने वाला था मैं. और जब किस्मत हम दोनों को दोबारा मिलवाना चाहती है तो तुम कहती कि भूल जाओ. मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, कभी नहीं. देखो मरियम, मुझे तुमसे हजारों लाखों बातें करनी है. तुम मेरी बीवी थी मरियम? मगर तुम्हारी बीवी तो मैं हूं ना, ये कैसे हो सकती है? सारा देखो ऐसी बातें नहीं करती, बहुत गंदी बात है, ठीक है? आइंदा मत करना. कौन सी बात? एंग्री बट और स्टेप मॉम वाली? हाँ अब नहीं करना, ठीक है? चलो मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ, ठीक है? आ जाओ. ओके. मम्मी मम्मी क्या है? मम्मी ऊपर जो है ना वो फिल्म चल रही है कभी कभी, कसम से बड़ा ही मजा आ रहा है. हैं? कभी कभी? अरे क्या टीवी पर चल रही है फिल्म कभी कभी? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. आमिर और मरियम ना प्यार भरी बातें कर रहे हैं कसम से. हैं? इसका मतलब चीटिंग हो रही है बावली दुल्हन के साथ. चल चल कर देखते हैं. नहीं नहीं मम्मी, हम दोनों को प्यार भरी बातें करने दो. ना जाने कितने सालों के बाद मिले हैं दोनों. अरे क्या पागल पागल हो गई है? ये कौन सा तरीका है? हमारे खानदान में ये सब बुरा समझा जाता है. कौन सा खानदान मम्मी? चुप करो और चुप करके यहीं पे बैठी रहो. हाँ बड़ा खानदान खानदान, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी उनको. अरे चुप कर, मत डिस्टर्ब करो उन्हें. चल खा लो तुम ये जो खा रही थी, बाकी का भी. कभी कभी मेरे दिल. क्यों रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? तो मेरी बीवी थी, मेरी बीवी थी ना. अच्छा ये बात किसी से मत कहना, ओके? डू यू लाइक हर? Do you like me? Yes, son. Liar. You like her? No. I like you.
तो मेरे प्रिंस सोना, हमारी शादी हुई है ना? हाँ, हमारी शादी हुई है। बोलो तो मेरे प्रिंस हो ना? हाँ हाँ, यू आर माई प्रिंसेस। अच्छा मेरी बात सुन, देखो देखो आज जो भी तुमने सुना और जो भी देखा, मुझसे प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो। बताओ ना बेटा, क्या खाओगी? कुछ नहीं। बेटा कुछ तो खाना पड़ेगा ना, हाँ? नहीं खाओगी तो कमजोरी हो जाएगी। अब बोलो। नाते। अच्छा, पास्ता? नो। चॉकलेट मिल्कशेक? नो। फिर नगेट्स? नो नो नो। बेटा बताओ किस बात पे खाने से नाराजगी है? खाने से नाराज होने से अल्लाह ताला गुनाह देते हैं। अच्छा, गुनाह मिलता है? हाँ ना, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने से अल्लाह ताला गुनाह देते हैं। अब बोल क्या खाएगी? नगेट्स। नगेट्स अभी बनाती हूँ मेरी बेटी के लिए। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आके नहीं रहना चाह रही। मुझे पता था तुम मुझसे बात करना जरूर चाहोगे, कोई ना कोई सुन लेगा और मसला खड़ा हो जाएगा। आज अगर इसने जिया को बता दिया ना, पता नहीं क्या होगा। हमें वो नहीं बताएगी। वो अपने डैड को हर बात बताती है। मैंने कहा ना, वो कुछ नहीं बताएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे आके नहीं रहना चाह रही। मुझे पता था तुम मुझसे बात करना जरूर चाहोगे, कोई ना कोई सुन लेगा और मसला खड़ा हो जाएगा। उसकी कौन सुनेगा, वो तो बच्ची है ना। वो इतनी भी बच्ची नहीं है आमिर। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सब कुछ समझ सकती है, फील कर सकती है। उसके भी इमोशंस हैं जैसे एक 9 साल के बच्चे के होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। ओके, आई होप सो। जी शाहिद साहब, क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट तुम्हें बाद में दूंगा, असल में इंटरव्यूज़ का टाइम हो गया। आपने कहा था ना सेकंड इंटरव्यूज आप खुद लेंगे। हाँ। कितने लोग आए हैं? सर 5 लड़कियां शॉर्टलिस्ट की मैंने, अंदर भेजे उन्हें। सर जी ये बताइए कि पहले हल्की वाली लड़की भेजूँ या हाई फाई? ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप ऑफिस में? जो पहले आई थी उसे पहले भेजें। ओके सर। कम इन। हाय
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बीना है। क्या नाम बताया? सर बीना, बीना खान। यही अरमान है मेरा के दिल में नाम हो तेरा, न जाहिर आँख से कुछ हो, तू ऐसा राज हो गहरा। यही अरमान है मेरा कि दिल में नाम हो तेरा, न जाहिर आँख से कुछ हो, तू ऐसा राज हो गहरा। कभी सर ये मेरी सीवी है और दूसरी। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हैं हमसे? सर मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अगर एटलीस्ट 40,000 हो जाए तो ठीक है। कल से ऑफिस आ जाइएगा। सर रियली? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाहिद साहब जरा मेरे रूम में आए। कम इन। जी सर। जी शाहिद साहब, ये जो लड़की आई थी ना अभी इंटरव्यू के लिए, इसको 60,000 सैलरी पर रख लें। 60,000 सर, इट्स टू मच। इससे पहले जो सेक्रेटरी थी ना, जो आपके लिए थी, वो इससे भी ज्यादा पैसे लेती थी, तो मुझे मत सिखाए। सर वो सर, चार लड़कियां बैठी हुई इंतजार कर रही हैं आपका इंटरव्यूज के लिए। ये तो सबसे हल्की वाली भेजी थी, हाई फाई बैठी हुई है। फाइनल हो गया शाहिद साहब, बाकी सबके इंटरव्यू कैंसिल कर दें। सर ये ना करें सर, एक बार उनसे मिलने मेरी बात रह जाएगी सर। मैंने आपसे कहा ना कैंसिल। ओके सर कैंसिल। जिया प्लीज, आप या तो मुझे गेस्ट हाउस में छोड़ दें या फिर मॉम के घर। तुम जानती हो ना कि मैं एक बात बार बार नहीं दोहरा था, फिर तुम बहस कर रही हो। मैं यहाँ पर आपके बगैर कंफर्टेबल नहीं होंगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। डोंट टॉक। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गया बेटा, तेरे लिए खाना लाऊं? नहीं मैं वहीं रेस्टोरेंट से खा के आया हूँ। अच्छा सुन बेटा, वो अगले हफ्ते ज़िया दुबई जा रहा है। मरियम भी जा रही है? नहीं मरियम तो नहीं जा रही, लेकिन आपने तो कहा कि ज़िया साहब जा रहे हैं। हाँ ज़िया साहब दुबई जा रहे हैं, पर वो हमसे यही पूछ रहे थे कि मैं अकेला दुबई जा रहा हूँ, क्या मरियम यहाँ रह सकती है? अरे तो हाँ। अरे अम्मी ये तो बहुत ही अच्छी खबर है।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हैं? तेरी बेशर्मी और खुशफहमी को देख रही हूँ। भूल जा मरियम को और सिर्फ सारा को याद रख। अब वो ही तेरी बीवी है, उसी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर, समझ गया? मेरा नाम बीना है, बीना खान। हसन बेटा, आर यू ओके? जी डैड। अजय बताओ कि वो चाइना वाली पार्टी से मीटिंग कब है? सॉरी डैड, मैं भूल गया, अभी पता करता हूँ। कम इन। कम इन। यस सर। वो चाइना से जो डेलीगेशन आया है, उसकी मीटिंग कब है? सर मीटिंग नेक्स्ट मंडे है, सेकेंड हाफ 4 PM। थैंक्स बीना। बीना, सॉरी डैड, मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये मेरी नई सेक्रेटरी है बीना। और ये जी जी, मैं मिली हुई हूँ इनसे, ये यहाँ के बॉस हैं, आई नो दैट। अब सर मैं अब जाऊँ? जी जाए। थैंक यू। अरे ये कौन सा तरीका है, अपनी जवान जान बीवी को यहाँ छोड़ के जा रहा है? आपस समझाओ उसे, गैरत मर गई है क्या उसकी? जो मुंह में आता है ना बोल देती है, पता है तुझे क्या बोले जा रही है? हा? अरे खाला, मम्मी ठीक तो कह रही है, आपने देखा नहीं था जैसी मरियम भाभी आई थी तो आमिर भाई की आंखों में ना प्यार आ गया था। स्वीटी चुप हो जा, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ ही चुकी है, मरियम किसी कयामत से कम है क्या? एक तो तुमने उस आमिर की दूसरी शादी करवा दी उस बावली से, तो जाहिर सी बात है आमिर तो मरियम की तरफ खींचा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा तब्बो, अब वो जिया की बीवी है। देखो आपा, मरियम आमिर की पहली बीवी तो थी ना, ये तो सबको पता है। मम्मी मम्मी, अगर जिया साहब को पता चल गया तो? खबरदार जब किसी ने जिया के सामने अपनी जबान भी खोली हो, वरना मैं जान से मार दूंगी। देखो भाई आपा, मैं तो कहती हूँ कि तुम आमिर के ससुर को बता दो कि मरियम आमिर की बीवी रह चुकी है, फिर तुम देखना वो मरियम को यहाँ टिकने नहीं देगा। मैंने कहा ना, ये बात जिया के सामने कोई नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम दोनों? मुझसे बुरा है ही वैसे भी कोई नहीं। और हाँ एक बात मेरी और कान खोलकर सुन लो, अपना सारा सामान समेटो और जाओ यहां से, बहुत हो गई अब। सटिया गई है ये बिल्कुल,
हाय अल्लाह मम्मी, हम वही हैदराबाद दोबारा चले जाएंगे। इधर आओ, कभी मुंह से अच्छी बात मत निकालियो। मुझे कोई आइडिया नहीं है आप किन पैसों की बात कर रही हैं आंटी। अरे जहेज की मद में 80 लाख रुपए देने थे और अमेरिका में रेस्टोरेंट खुलवा के देना था आमिर को। 30 लाख दिए हैं, बाकी के 50 लाख दिए ही नहीं। हर महीने लाखों रुपए लाके आपके हाथों में रखता हूँ, फिर भी आपके पैसों की हवस खत्म नहीं होती। एक एबनॉर्मल लड़की के पल्ले बांध दिया,